आज हम करेंगे हिंदी लिविंग करके। अगर आपके बच्चे को अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, कुछ कुछ का अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे को ना रीडिंग स्टार्ट करा सकते हैं। ओके स्टार्ट। वेरी गुड। वेरी गुड। जल। वेरी गुड। किसके जैसा है ये? थे थर्मल। ये सेम है यहाँ पे थर। देखो सेम थर। क्या है? तो मेरा ये करवाने का मोटिव यही है कि जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर कुछ लेटर बच्चे को नहीं आते हैं तो रीडिंग करेगा ना बार बार, तो वो बच्चे को आ जाएंगे। और इसका दूसरा जो मोटिव है वो ये है, आप देखिए कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब ब ब है ना मैनी टाइम्स यहाँ पे राइट किया है, तो अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है किसी लेटर को आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कोई डिफिकल्ट है, जैसे थ हुआ, भ हुआ है ना, या छ हुआ, थ हुआ, तो आप इस तरह से वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से बुक परचेज करने की, उसमें इन्वेस्ट करने की। नॉर्मली आप पेन से राइट करके, स्केच पेन से, कलर पेन से, किसी भी तरह से राइट करके दे सकते हैं। ओके चलो बच्चा नेक्स्ट। दिस इज वेरी गुड। वेरी गुड। कल। वेरी गुड। ईक नहीं, दिस इज छोटी ई, तो शॉर्ट शाम की ईक। ईक ई तो नहीं है, तो क्या है? क्या होता है? डे 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 डमरू होता है। डे डे ले डे डे ले। क्या होता है? चटली। हाँ चे ले चल। ची धे धे। देखो इसमें दिख रहा है आपको, धे धनुष का ऐसे एरो होता है, ठीक है? ओके तो धे दिस इज धन। धन ये आप बताओ। गगमला। ग ले गल। ग मैं थी। ग मैं गम। वेरी गुड। ये आप बताओ। ब ब ग ब खरगोश। ब ख पक पक। से लस। वेरी गुड। हल। बे बस। ये आप बताओ। बताओ बताओ बताओ। हमने ट्रिक बताई थी ना कि सेमी सर्कल है तो क्या होगा, और अगर ऐसे है तो क्या होगा, नीचे है तो क्या होगा, तो टर्नमेंटल। हाँ ये अगर ये बेंड हो गया है तो क्या हो जाएगा? रेडक्शन। हाँ तो ये हो जाएगा। नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा? समझाया था आपको, भी बता देती हूँ कि जब चार्टिंग में ये ऐसे होता है, ऐसे कर्ण तक से, तो टै होता है ना, जब ये ऊपर से ऐसे बैंड हो जाता है तो ये हो जाता है ढ, और जब ये इसको
माँ के नीचे ले आते हैं तो ये हो जाता है डर जवाब, इस तरह से वो डिफरेंशिएट कर लेती है। नेक्स्ट बच्चा, फल। वेरी गुड। तो इसको ना सेम इक्वल है, कोई भूल जाती थी, बाकी दो से इसको आते थे, तो मैंने ये ना था बार बार यहाँ पे राइट करके ऐसे किया था, डे के डिफरेंशिएशन के लिए ऐसे किया था, छह ये है इनमें डिफरेंशिएशन के लिए मैंने एक सर्टिफिकेट दी गए, मैं मेरी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है फिर भी एक स्लीपिंग लाइन का डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैंने इस तरह की दी। और कै और फैमिली भी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कै होता है स्टैंडिंग लाइन में, ये आगे ऐसे लीड करता है, और फे होता है वो ऊपर सीलिंग लाइन में मेल करता है, पर इस तरह से मैंने इसे समझाया था। दिस वन हो फल गया। जन जग जग क्या होता है? ये बैंड तो नहीं है, यहां से बैंड तो नहीं है, थे तो नहीं है, है बैंड तो नहीं है ना, थैथर्मस तो यहां से ऐसे बैंड होता है, बैंड तो नहीं है ये, तो क्या है? हाँ तो ऐसे ही है, तो क्या है ये? कैसे यस एल तो नीचे बैंड हो रखा है, मुझे तो आई क्या क्या नहीं देखा लग रहा है, तो नहीं क्या है? अगर गया यज्ञ ये यज्ञ यज्ञ पैर त्र पत्र धनुष, देखो मैं बताती हूँ आपको, सो धै धनुष बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है, धै धनुष तो ऐसे होता है, इसमें देखो ये यहाँ पे धनुष जैसा दिखेगा आपको, ओके दिस इज ये छह झंडा झे ले चल ले थर थर टॉल बोलो, हॉल टे हाफ होता है पूरा सर्कल होता है। ले सुनो हाँ मैं तुम अब बताओ, ये उसे हाँ बताओ कौन सी छोटी बड़ी की ठीक है, वह हाँ वेरी गुड, जगन्नाथ हाँ जग अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ मैंने उसे छह बताया, यहाँ उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे छह बताया था तो छह उसने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था, यही एक बेनिफिट होता है अगर आप बच्चे को रीडिंग करवाते हैं तो, अगर कुछ लेटर्स नहीं भी आते हैं तो उसके लिए ना बच्चे को फोर्स मत, इतना ज्यादा परेशान मत कीजिए कि ये क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, खुद भी इतना बर्डन मत कीजिए, रीडिंग इज द बेस्ट थिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जिससे आपका बच्चा कर सकता है। दिस इज बेटा। से लगम से पता है क्या आपको, नहीं री ऋषि वाला है री, ही ओके री ओके, ये लेटर कोई लॉजिक से नहीं बनाए थे मैंने, जस्ट उसके अकॉर्डिंग बनाए थे कि कहाँ कहाँ उसको डिफिकल्टी हो रही है या कंफ्यूजन है, तो इस तरह से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। ये चल वेरी गुड मैम लमल वेरी गुड। कम अभी ले विराम मात्रा पढ़ना है इसको, हाँ पढ़ो, कम ले कमल वेरी गुड आ कमला कमला, वेरी गुड, दिस इज दिस इज, ना फोकस करो, ना 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 हाँ ना
अब इसको डिवाइड करना है। अगर फोर लेटर आ जाता है तो बच्चे को डिवाइड करवाना। पहले इसको रीड करो, हल हल। अब इसको रीड करो, कर। ये क्या था? हल हर। ये कर क्या बना? हल कर। यस, ऐसे ही इसको रीड करो, हल। उसको रीड करो, क्या बना? चल। ये क्या था? हल। हल। ये चल। चल। यस। ये नहीं मार रहा है इसमें। आ। आकर। वेरी गुड। दिस ब्रिज टू अग्नि ये जो गया। तो आप ऐसे क्यों करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, अभी कर। दिस इज, पहले फर्स्ट टू रीड करो। मैचम। चम क्या चम 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 दी। हाँ बताओ। ये है, अगर जी नहीं हो तो पे, अगर जी हो तो से। तो इस तरह से मैंने इसे डिफरेंशिएट कराया है एक्चुअली, कि अगर ये नहीं है तो क्या होता है, ये क्या होता है। इस तरह से आप भी बच्चे को सकते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। शल, शल, नहीं खाली वाला नहीं। तो शे, रे, ले, ने, ने, शल। ठीक है, नाउ प्लीज से थैंक यू एंड बाय 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 बाय।